नमस्कार, उज्जवल गर्भ संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए श्री गणेश कथा लाए हैं। सुख समृद्धि आनंद और वैभव के दाता भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देव है। छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, साधारण हो या महत्वपूर्ण, लौकिक कार्य हो या कोई भी शुभ कार्य, सभी को शुरू करने से पहले गणपति जी को याद किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। जानते हैं गणेश जी से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा के बारे में। इस कथा को गणेश चतुर्थी की पूजा में जरूर सुनना चाहिए। हर गर्भवती माता निश्चिंत होकर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस कथा को जरूर सुने। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ तिनके एकत्रित कर एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर उन्होंने चौपड़ का खेल शुरू किया। यह खेल तीन बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव जी को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को एक शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष से ऐसा नहीं किया। तब माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और उनसे श्री गणेश व्रत की विधि पता कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर श्री गणेश ने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। तब बालक ने बोला, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुँच जाऊँ। बालक को यह वचन देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने की कथा उसने महादेव को सुनाई। उस समय देवी पार्वती महादेव जी से विमुख हो रखी थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का 21 दिनों तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से देवी की नाराजगी दूर हो गई और वह स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उन्हें बताया। यह सुन माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा के साथ 21 दिनों तक उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया और पुष्प और लड्डू से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनके यह मनोकामना पूर्ण करी। इस प्रकार श्री गणेश जी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहा जाता है।
जय गजानन, जय श्री गणेश।